दिल की सुनो, सितारे छू लो, हम दोनों साथ हो, ये दोस्ती और गहरी हो, सारे सपने कर लो पूरे, लो पूरे, करो भरोसा तकदीर पे, दिल की सुनो, सितारे छू लो, हम दोनों साथ हो, ये दोस्ती और गहरी हो, दो दिल की सुनो, दो की सुनो, सितारे छू लो, सितारे छू लो, दो दिल की सुनो। तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? हमें एकेडमी वापस लौट जाना चाहिए। फाइव स्टार, मुझे पता है तुम सुन सकती हो। वैसे प्रिमरोज और उसके चमचों को हराकर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम लोगों को खत्म करने का पूरा मजा लेना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारी दोस्त का काम तमाम हो गया, अब तुम सबकी भी चटनी बन जाएगी। लगता है हमारे एक तरफ खाई है और एक तरफ ये ग्रीन यूनिकॉर्न। कहानी भी पीठ नहीं दिखा दे। नहीं पड़ेगा अगर हम सब पत्थर में बदल गए। हम इन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं छोड़ेंगे, अभी के लिए छोड़ना होगा, पर वापस आएंगे एक प्लान के साथ। छोड़ो, जाने दो उन्हें, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, ये एकेडमी अब मेरी है। वाइल्ड स्टार, तुम मुझे विजन पूल पर क्यों ले आई? मेरे पास सिर्फ एक मौका था और वो चला गया, अब कोई फायदा नहीं है। रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, हमें एकेडमी वापस लौट जाना चाहिए। वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, वहाँ सिर्फ पानी है। प्लीज वाइल्ड स्टार, घर वापस चलो। एक मिनट, मुझे मेरा एक विजन मिल चुका है, पर तुम्हारा बाकी है, तुम मुझे यही बताना चाहती थी ना। वाइल्ड स्टार, तुम कमाल हो। उम्मीद है काम कर जाए। सोफिया, मेरी शाइनिंग स्टार। चलो कहानी खत्म। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ओ,
अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? ये रॉरी क्या कर रहा है? हमें एक नए घर की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं वही बना रहा हूँ। ये रहा हमारा टॉम, ओके, और स्टॉम तुम वहाँ पर एक नया स्टेबल बनाओ। क्या हम फोकस करें और दुनिया को बचाने की कोई तरकीब सोचे? तो तरकीब ये है, मैं सबसे अच्छी यूनिकॉर्न राइडर नहीं बन सकती अगर दूसरे यूनिकॉर्न राइडर नहीं होंगे, इसलिए हम अभी वहाँ वापस जा रहे हैं। तुम्हें बॉस किसने बनाया? मैंने, और विरासत में मिली पोजीशन। अरे वाह, यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा कुछ बोला है। तुम सच बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही हो? अरे चुप भी करो, छत की जरूरत नहीं है ना? तुम्हें ये सच तो नहीं लगता ना सोफिया के बारे में? हाँ, वो और वाइल्ड स्टार जरूर ठीक होंगे, पर वो दोनों है कहाँ? सोफिया, वाइल्ड स्टार, विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों को ऐसे एक साथ देखूंगा। सच में आप ही हो, मुझे पता था कि ये सिर्फ मेरे दिमाग की तस्वीर नहीं थी, ये आप ही हैं। और आप ठीक हैं? आप कहाँ हैं? हम आपको ढूंढ लेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? पर हम हेल्प कर सकते हैं डैड। ये बहुत खतरनाक है, मुझ पर विश्वास रखो, मैं ठीक हूँ। बल्कि मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। हम दोनों की दुनिया जादू के बंधन से जुड़ी हुई है। मुझे कुछ झलक दिखती है, आवाजें सुनाई देती है, चेतावनी देती है कि रेवनज़ेला वापस आ रही है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि ऐसा हो चुका है, और उसके पास ग्रिम मैजिक का बना एक यूनिकॉर्न है जिसने मेरा पैर पत्थर का बना दिया। हमारी ताकत उसके आगे कम पड़ गई। हम क्या करें? मैं नहीं जानता हूँ, माफ करना, मेरे पास इसका कोई जादुई जवाब नहीं। फिर वापस आकर हमारी हेल्प कीजिए। अगर आप ये बता दें कि आप कहाँ हैं तो हम। ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमें रेवनज़ेला से अकेले लड़ना पड़ेगा? तुम मुझे बिल्कुल अपनी तरह दिखती हो। मैं भी हर चीज खुद करने की कोशिश करता रहा हूँ, मैंने दूसरों पर भरोसा नहीं किया। देखो मेरा क्या हाल हुआ, अगर मैं मदद ले लेता तो शायद मैं। तुम्हारे साथ दोस्तों का होना जरूरी है। हाँ, दोस्त है मेरे, नहीं वो शायद थे, पर वो एवा बीच में आ जाती है, और ज्यादा आसान ये है कि मैं सब कुछ खुद संभाल लूं। सोफिया, मेरे पास कोई छुपा हुआ हथियार नहीं है जो रेवनज़ेला को हरा दे। तुम उसका सामना अकेले नहीं कर सकोगी। शायद एवा का इरादा अच्छा हो और वो तुम्हारी मदद करना चाहती हो। मुझे नहीं लगता, मुझसे नफरत करती होगी। दोस्त लड़ते हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, पर उससे दोस्ती खत्म नहीं होती। जरूरी ये है कि एक दूसरे से बात करनी होगी, दिल खोल कर बात करो। मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई। क्या डैड, ये क्या हो रहा है? मेरी चिंता मत करना, यूनी आइलैंड का जादू बचा लेना। तुम्हें दोस्त चाहिए होंगे, टूटे दिलों को जोड़ो। टूटे दिलों को जोड़ना है? नहीं डैड प्लीज, रुक जाइए। सोफिया, आई लव यू। आई लव यू टू। तुमने सुना ना, हमें एवा को ढूंढना होगा। ओ, कितने शर्म की बात है कि अब तुम्हारा चेहरा हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। तो अब आगे क्या किया जाए? क्यों ना तुम्हें झील के अंदर फेंक दे, या फिर एक पत्थर की जेल में कैद कर दिया जाए? अरे हाँ, क्यों ना तुम्हारा पूरा आइलैंड गायब कर दूं, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने किया था मेरे साथ। वाह, तो पासा पलट गया है। अब जाकर सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा मेरा प्लान था। तो उन बच्चों को यहाँ से जाने देना भी आपका प्लान ही था महारानी? ऐश, उन बच्चों की क्या बिसात मेरे सामने। अब मेरे पास भी एक यूनिकॉर्न है, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं पहले से ताकतवर और बेहतर हूँ। वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो कीड़े मुझे रोक नहीं सकते। पर क्यों ना थोड़ा मजा लिया जाए, उनका पता लगाओ और फिर उन्हें यहाँ लेकर आओ। मुझे तो लगा काम खत्म हुआ। मैं चाहती हूँ वो देखें जब मैं उनकी ये प्यारी यूनिकॉर्न एकेडमी बर्बाद करूँगी और फिर उनकी चटनी बना दूंगी। य
ये उनकी चटनी बनाने में मदद करेगा। Come on, अब भी वक्त है, हम ये कर सकते हैं। क्या बात है वाइल्ड स्टार? मुसीबत में हम तुम्हें छोड़ देंगे? एवा! तुम्हें कैसे पता था मैं यहाँ हूँ? वैसे पता तो नहीं था, पर लीफ और मुझे लगा कि विजन पूल से पता लगेगा और तुम मिल गई। विजन की जरूरत ही नहीं। मुझे बहुत बहुत अफसोस है हर बात का। मैंने तुम्हारा नहीं, आई एम सॉरी। तुम सिर्फ मेरा भला चाहती थी हमेशा की तरह, जैसे अभी। दरअसल मुझे असली दोस्तों की आदत ही नहीं है जिन्हें मेरी परवाह हो, इसलिए तुम्हें दूर किया। पर तुम्हारी जरूरत है एवा, हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? नहीं, हा? हम सिर्फ दोस्त ही नहीं, हम तो BFFFFF हैं। क्या इसमें बहुत सारे एफ्स हैं? हाँ, फिसलने के लिए, क्योंकि तुम्हें चट्टानों से फिसलने का शौक है, पर मैं पकड़ने के लिए हाजिर रहूंगी। एक बार हमने खाई को 3.5 मीटर गहरा बना लिया तो इसाबेल और रिवर इस तरफ से पानी को निकालेंगे। लीफ, तुम लकड़ी की एक राफ्ट बनाकर रात के अंधेरे में 38 डिग्री उत्तर की तरफ निकलना और फिर। एक मिनट, मुझे लगा स्टॉर्म और मैं वो शंख हैं। नहीं, तुम यहाँ रखे पत्थर हो। क्यों ना हम एक खोखला यूनिकॉर्न बनाए? देखो, मुझे प्लान बनाना बहुत अच्छा लगता है, पर हमें रुकना चाहिए। हम सबको रेवनजिला का सामना एक साथ करना होगा। और अगर एवा वापस ना आई तो? और सोफिया, हमें उन पर अचानक हमला करना होगा, उससे उन्हें पता चले। सरप्राइज! एश, चलो! कितना आसान! चलो हमारे पीछे आओ। उठो मोटे गेंदे, जल्दी चलो। यहाँ वो नहीं ढूंढ पाएंगे। नफरत है पत्तों से। क्या कहा तुमने? मैंने कहा नफरत है पत्तों से। ये वो कौन है? क्या यहाँ और पत्ते? वो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, आंखें खोलो और ढूंढो। अलग करके हराना आसान होगा, ये सबक मैंने खुद सीखा है। पर अब तुम अकेली नहीं हो। बहुत खुश हूँ तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई, हम तो थक गए थे। मैं भी खुश हूँ, तुम लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं थी। पता नहीं हम रेवनजिला को कैसे हराएंगे, पर मुझे पता है कि वो एक साथ ही हो सकता है। चलो चले। लगता है रेवनजिला कहाँ होगी? लगता है शायद वो अंदर है। ओह प्लीज प्लीज,
तुम जैसे गुलाम पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ? लगता है आ गए चमचे, तो वक्त आ गया है। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। तुम नामुमकिन, मैंने तुम्हें मार दिया था। गलत। फिर तो मुझे दूसरी बार तुम्हारी चटनी बनाने में बहुत मजा आएगा। इतना घमंड, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम अकेले ही मुझे हरा सकती हो? मैंने अकेले काम करना छोड़ दिया है। चलो चले। ये देखा मेरा कमाल, तुम कुछ भूल तो नहीं रही? मैं भी अब अकेली नहीं। कमजोर हो। कमजोर नहीं, चालाक। अब तक नहीं समझी? दोस्तों के साथ मिलकर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुमसे नहीं डरती, हम सब नहीं डरते। टूटे हुए दिल को जोड़ो, अपने टूटे दिल को जोड़ो। डैड, आपने छुपा हुआ हथियार बता दिया। जल्दी वो ग्रिमस्टोन उठाओ। बना रही हूँ। बढ़िया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब कुछ छीन लिया है। मैं जानती हूँ कैसा महसूस होता है। पता नहीं तुम सैफायर्स की टीम ने ये सब कैसे किया,
पर यूनिकॉर्न एकेडमी तुम लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। फिर से हमने आप पर फिर से एहसान किया है, फिर तो इस बात का जश्न मनाना चाहिए। यस, मैं तो पार्टी के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मुझे इलाज की जरूरत है। उम्मीद है ये टेंपल ऑफ गार्डियंस तुम्हें जरूर पसंद आया होगा। हमने इसे ठीक किया है खास तुम्हारे लिए, और इस बार कम से कम तुम अकेली तो नहीं हो। नहीं 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 फल है। मैं जानती हूँ वो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स जो तुमने दिए थे वो टूट गए हैं, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देखो, ये सब क्राफ्ट करना मुझे नहीं आता है। बहुत प्यारे हैं, पर मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें थोड़ी आर्ट और क्राफ्ट की क्लासेस भी देनी चाहिए। तो अब तय हो गया कि हम BFFFFFF है? मुझे याद नहीं इसमें कितने F लगेंगे। एक और खतरे को एक साथ फेस करने के लिए। एक और बात एवा, मुझे लगता है अभी खतरा टला नहीं है। मेरे डैड अभी भी जिंदा हैं। मैंने उनसे बात की है। और तुम्हारे डैड जिंदा हैं? हाँ जिंदा हैं, पर उन्हें अचानक जाना पड़ा, जैसे वो किसी चीज से बच रहे हों। वो जहाँ भी है मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, उन्हें मेरी जरूरत है। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल की सुनो, सितारे झूलो, हम दोनों साथ हो, ये दोस्ती और गहरी हो।